सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जमात दहम के तीसरे वीडियो फ़न तामीरत और मुजस्मा साजी ये फ़नून लतीफ़ा की तारीख़, इसके तीसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं फ़न तामीरत और मुजस्मा साजी। भारत में कई तराशीदा गार पाए जाते हैं। भारत में तराशीदा गारों की रिवायत दूसरी पहली सदी कबल मसीह में शुरू हुई। यानी भारत में तराशीदा गार, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो अजंता के गार और एलोरा के गार है। अगर आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। तकनीकी लिहाज से मुकम्मल गार तामीरात और तराशीदा मुजस्मों का मजमू नमूना होता है। तराशीदा गार क्या होता है? ये तराशीदा मुजस्मों का मजमू नमूना होता है। बाबुद दाखला यानी दाखले का दरवाज़ा, अंदरूनी सुतून यानी अंदर जो सुतून होते हैं, कॉलम होते हैं वो, और मूर्ति संग तराशी के उम्दा नमूने होते हैं, यानी जो मूर्तियां बनाई जाती है। दीवार और छत में की गई उम्दा तस्वीर कशी के काम बाज़ गारों में आज भी किसी न किसी हद तक बाकी है। ये देखिए मिसाल तो महाराष्ट्र के अजंता की है, यानी जो औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में अजंता और एल्लोरा के गार को 1983 ईस्वी में आलमी वर्षे का दर्जा दिया गया है। भारत में मंदिरों की तामीर का आगाज़ 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त अहद हुकूमत में हुआ। गुप्त दौर की इब्तदा में मूर्ति रखने की जगह गाभारा और इसके बाहर चार सुतून पर मुश्तमिल बरामदा बस यही मंदिर की शक्ल थी। एलोरा के कैलाश मंदिर की शानदार बनावट से बात समझ में आती है कि 8वीं सदी ईस्वी तक भारत में मंदिरों की तामीर का फन पूरी तरह तरक्की पा चुका था। यानी एलोरा का जो मंदिर है ये बहुत ही मशहूर है और बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। अहद वस्ता तक भारतीय मंदिरों की फन तामीर के कई तर्ज वजूद में आ चुके थे। तर्ज का तायुन कलश की मखसूस साख्त के मुताबिक किया जाता है। कलश क्या होता है? ये मंदिर के सबसे ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसे कलश कहते हैं। देखिए मंदिरों के दो यहाँ पर तस्वीर दी गई जिसे नागर तर्ज का कलश कहा जाता है। इनमें शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़ ये दो तर्ज अहम समझे जाते हैं। इन दोनों के इम्तिजाज से वजूद में आने वाले मखलूत तर्ज को वैसर कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भूमिज तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर के साख में यकसानियत पाई जाती है। यानी महाराष्ट्र में कौन से हैं? महाराष्ट्र में भूमिज और नागर तर्ज के मंदिर है। भूमिज तर्ज में मंदिर की बुनियादों से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कलश की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे तक यकसा दिखाई देती है। अब देखिए द्राविड़ तर्ज की एक तस्वीर है जिसमें गोपुर दिखाया गया है, यानी कि ऊपर की तरफ एक जहाज़ नुमा शक्ल दिखाई देती है। एक मुख्तसर सी चीज़ है, हेमाडपंथी मंदिर की तामीर मुरब्बानुमा ताज़ा तारानुमा दो किस्म की पाई जाती है। तारानुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम किया जाता है। इस वजह से इन दीवारों और इन पर बने हुए मुजस्मों पर पड़ने वाली रोशनी और साय का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। हेमाडपंथी मंदिर को अहम खसूसियत दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल ना करना है। पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबूत सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था और इनकी मदद से दीवार बनाई जाती। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अमरेश्वर, नासिक के करीब सिन्नर में गोविंदेश्वर, ज़िला हिंगोली में औरडा नागनाथ हेमाडपंथी मंदिरों की उम्दा मिसालें हैं। देखिए गोविंदेश्वर मंदिर के सिन्नर की यहाँ कुछ तस्वीर दी गई है। अहदावस्था के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी बस्ती, ईसाई, अरबी और माकबल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिजाज अमल में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया। कई काबिल दीद इमारत तामीर की गई। दिल्ली के करीब महरूली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल, बीजापुर में गुल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर की शहरा आफाक मिसालें हैं। खुतबुद्दीन ऐबक 12वीं सदी के ज़माने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई और सुल्तान अल्तमश 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल हुआ। अब देखिए मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने के बाद से जो तर्ज तामीर में एक नई तब्दीली आई, यहाँ पर इस्लामी तर्ज तामीर रोशनास हुआ। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊँचा मीनार है। इसकी ऊँचाई 73 मीटर यानी 240 फीट है।
कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमू कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है इसे यूनेस्को ने आलमी विरासत का दर्जा दिया है। मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल तामीर किया है। आप सबको तो मालूम ही होगा ताजमहल के बारे में, सभी जानते हैं। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फन तामीर की खूबसूरती की अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरासत का दर्जा दिया है और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी 7 अजूबों में पहला आ चुका है। 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया बीजापुर का गोल गुंबद इंतहाई शानदार इमारत है जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। इस गुंबद की अंदरूनी जानिब गोल साहिबान है जिसकी वजह से इस इमारत को गोल गुंबद कहा जाता है। इस साहिबान में खड़े होकर आहिस्ता से कुछ कहें तो भी वो आवाज़ सब तरफ सुनाई देती है। ज़ोर से ताली बजाए तो इसकी सदाए बाज़ गश्त कई बार गूंजती है। ये देखिए गोल गुंबद की तस्वीर है। भारत में बरतानवी हुकूमत कायम होने के बाद एक नया तर्ज तामीर वजूद में आया, इसे इंडो गोथिक तर्ज तामीर कहा जाता है। बरतानवी दौर में तामीर किए गए चर्च, सरकारी दफातर, आला अफसरों के रहायशी मकानात, रेलवे स्टेशनों जैसी इमारतों में ये तर्ज तामीर दिखाई देता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत इस तर्ज का उमदा नमूना है जिसे यूनेस्को ने आलमी विरासत के मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।